नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टेक प्रोडक्ट्स में। और ये जो है दोस्तों, LMMS नाम का सॉफ्टवेयर है। LMMS आपको दिखाता हूँ, PC के लिए है। मतलब आपका जो भी कोई PC है, लैपटॉप है, उसके लिए चलता है दोस्तों ये LMMS नाम का सॉफ्टवेयर। और काफ़ी भारी सॉफ्टवेयर है दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक बीट मेकिंग बीट, इस पे आप बना सकते हो कोई भी गाने का। आपको बीट चाहिए, आपको कोई गाना रिमिक्स करना है तो आप अपने खुद के बीट बना सकते हो यहाँ पे। और बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं। फ्री डाउनलोड का भी ऑप्शन यहाँ पे आता है, तो आप यहाँ से जो है LMMS नाम का जो सॉफ्टवेयर है बीट मेकिंग, तो वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड किया है। जैसा कि रेगुलर सेटअप रहता है, वो आपको रन करना पड़ेगा। सो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों ये LMMS नाम का जो सॉफ्टवेयर है, ये हमने अभी चालू किया है। तो ये कुछ ऐसा दिखता है इसकी विंडो। और ये जो है बाकी का दोस्तों, हमें ये अभी कट कर देना है। जैसे कि आपने देख आप यहाँ पे देख सकते हो, ये बाकी का सब मैं कट कर रहा हूँ। यहाँ पे आप माउस की तरफ ध्यान दो, तो ये हमने कट कर दिया। और ये जो है, ये हमने ऐसा बढ़ा दिया है दोस्तों। तो दोस्तों ये मैंने स्क्रीन मिनिमाइज़ कर दी है इसकी, थोड़ी सी आपको दिखाता हूँ। तो ये पूरी लाइन है दोस्तों यहाँ पे। यहाँ पे किक ऑलरेडी एक रेडीमेड किक आपको मिल जाती है यहाँ पे, तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हो। ये क्लोज कर देंगे हम। तो ये जो है दोस्तों, ये जो किक है, ये आपको रेडीमेड मिलती है। अभी मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ ये किक, तो इसका साउंड आप देखिए कैसा है। अभी 1 सेकेंड ना, तो दोस्तों आपने देखी इसकी आवाज़ कैसी है। और दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्शन भी मिलता है, ये जो है नंबर ऑफ़ जो ब्लॉक्स है, ये भी आप बढ़ा सकते हो। देखो अभी ये जो पहले जो थे तो वो बढ़ गए, अभी और भी आप बढ़ा सकते हो। लेंदी जितना आपको, जितना लेंदी चाहिए आप कर सकते हो। यहाँ पे हरे रंग का ऑप्शन आता है, उससे ये ब्लॉक्स बढ़ते हैं। और ये रेड रंग का जो है, मतलब लाल रंग का, तो वो दबाने से ये कम होता है। तो मैं भी अभी नया हूँ इसमें। यह सॉफ्टवेयर काफ़ी अच्छा है दोस्तों बीट मेकिंग के लिए। आपको कोई भी गाना हो रिमिक्स करना है आपको, तो आप इसमें से जो है दोस्तों बीट बना सकते हो उस गाने के लिए, उस गाने के स्पीड के हिसाब से भी। तो अभी मैं आपको कुछ दिखाता हूँ दोस्तों। अभी दोस्तों आपको दिखाता हूँ मैं, अभी ये 140 है। तो ये स्पीड है दोस्तों गाने का, जो टेम्पो है वो आपको कितना रखना है, 100 रखना है, 140 रखना है, 200 रखना है, आप रख सकते हो दोस्तों। और बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं, तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। यहाँ पे जो है माई सैम्पल्स नाम से है, तो माई सैम्पल्स में रेडीमेड आपको सैम्पल मिलते हैं दोस्तों, जिससे कि आप कुछ बना सकते हो। तो आपको दिखाता हूँ अभी मैं। ये देखो बीट से बासेस, बेसेस, जो कुछ भी उसका प्रोनाउंसिएशन है वो है। तो मैं आपको ये सारे है, एसिड मतलब क्या है, बहुत ही अलग अलग प्रकार है दोस्तों। मैं आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको उसका साउंड मिल जाता है। एक बार क्लिक करने से उसका साउंड बचता है, और आपको बहुत सारा उधर देखने को मिलेगा। बहुत भारी सॉफ्टवेयर है दोस्तों, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए अपने PC में और एंजॉय करिए दोस्तों। बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर यहाँ पे है। और बास लूप से क्या है, बेस लूप्स, बीट्स, ड्रम्स, ड्रम सिंथ। तो जो ड्रम्स है उसमें मैं गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ड्रम्स है। तो इसमें से जो है दोस्तों, मैं क्लैप क्लैप वन नाम का जो है वो अभी देख रहा हूँ। तो क्लैप वन का जो है दोस्तों, यहाँ पे मतलब के अभी मैं इसको ले रहा हूँ मैं, क्लैप वन। ये बजती कैसे है मैं आपको अभी दिखाता हूँ। और ये एक्स्ट्रा क्लैप आ गई यहाँ पे, डबल क्लिक हो गया। तो अभी इसको रिमूव कर देता हूँ मैं, ये हो गई रिमूव। और यहाँ पे जो है हिट हैट क्लोज नाम से है वन,
वो भी अच्छा है, मैं रख लेता हूँ इसको भी। ये आ गया दोस्तों, इस लाइन में आ गए। आप देख सकते हैं कीकर तो रेडीमेड मिलता है आपको, और क्लैप वन जो है वो हमने डाला, हिट हैट क्लोज्ड हमने डाला। और यहाँ पे किक है, किक में भी सेकंड किक है, वो भी अच्छी है। किक वन भी मैंने ले ली और किक टू भी ले ली, ठीक है। किक फोर भी ले लेता हूँ, वो भी मैंने ले ली। और सॉफ्ट किक वन जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो वो थोड़ी सी ज़्यादा दूर तक तो, मतलब जो है उसका रिवर्ब जो है, कोई उसका अलग ही इफ़ेक्ट है, वो भी ले लेता हूँ मैं, वो भी ले लिया मैंने। अभी आगे क्या है, शेक वगैरह है। हाँ तो ये शेक वन जो है, शेकर वन क्या लिखा है उन्होंने, SHAKER, ये भी मैंने ले लेता हूँ। दो बार ले लिया मैंने, ये दो पट्टी आ गए उसकी। स्नेयर भी है, बहुत अलग अलग जो है दोस्तों, बहुत प्रकार है उसके, टॉम वन टॉम टू, बहुत सारे इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। तो अभी मैंने ये सब ले लिया है। अभी दोस्तों मैं इसका स्पीड भी जो कम कर रहा हूँ, 140 यहाँ पे लिखा है, तो मैं इसको अभी 100 कर दूँगा, 100। इसका टेम्पो 100 हो गया, 100। स्पीड कम कर लिया है मैंने, अभी देखते हैं क्या होगा। अभी ये जो है दोस्तों, ये हमें बजा के देखना है। तो दोस्तों अभी ये बज रहा है, ये अभी इसमें तो दोस्तों अभी आप देख सकते हो यहाँ पे दो कीक लगाई है मैंने, कीकर में से उठाई। और ये एक जो है दोस्तों क्लैप हमने लिया था, आप देख सकते हैं दो नंबर पे, ये जो क्लैप है ये मैं इधर डाल देता हूँ। अभी इसके बाद फिर से एक किक लगाई, आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे दो क्लैप यूज किया और दो किक। अभी मैं इसमें दोस्तों शेकर वन जो है वो डाल देता हूँ यहाँ पे, बिल्कुल आपको दिखाता हूँ मैं। अभी ये ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा, तो देखा ये थोड़ा सा बज रहा है। अभी इसमें मैं थोड़े से और चेंजेस कर दूंगा। तो आपने वो गाना सुना होगा, वो गाना जो नहीं है, लेट द म्यूज़िक प्ले, ऊ आ लेट्स द म्यूज़िक प्ले, कुछ गाना है, नदियों पार सजंदा थाना,
तो जानवी कपूर का वो रीमेक भी है, तो उसका ओरिजिनल सॉन्ग आप सुनेंगे तो बिल्कुल कुछ ऐसा ही उन्होंने म्यूज़िक बनाया है वहाँ पे, तो मैं वो बनाने की कोशिश कर रहा था यहाँ पे। बाकी हनी सिंह का भी जो ये जो क्लैप है, ये जो क्लैप मैंने यूज़ की है ताली बजाने की जो आवाज़ है, ये धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, वो गाने में भी उन्होंने क्लैप यूज़ किया है हनी सिंह ने। तो बहुत ही मतलब आपको लगेगा कि ये म्यूज़िक और ये जो इफ़ेक्ट से ये हमने कहीं सुने हैं काफ़ी ज़बरदस्त है दोस्तों। अभी ये साउंड क्लैरिटी इसकी अच्छी नहीं है, तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि ओरिजिनल MP3 जो मैं अभी सेव करूँगा, आप इसमें से एक्सपोर्ट भी कर सकते हो दोस्तों। गाना कैसा एक्सपोर्ट करना है वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। तो दोस्तों अभी ये जो रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड हमें सेव करना था, तो अभी हम कैसे करेंगे तो मैं आपको दिखा। सबसे पहले हम ये पॉज कर देंगे यहाँ से, ये पॉज हो गया। अभी हम जो है दोस्तों यहाँ पे मेरे माउस की तरफ आप देखो, ये जो है शो हाइड सॉन्ग, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ओके, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये विंडो जो सामने आई है, आपको दिखाता हूँ, ये जो है ये विंडो आपके सामने आएगी, उसकी जो क्या बोलते हैं उसको पेज जो भी है ये सामने आएगा। यहाँ पे जो है बीट बासलिन नाम से है देखो आप, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे 3-4 बार क्लिक कर दूंगा। एक बार किया तो एक ही बार रिपीट होगा पूरा का पूरा ट्रैक, 2 बार किया तो 2 बार रिपीट होगा, 4 बार किया 4 बार रिपीट होगा। और यहाँ से आप बढ़ा भी सकते हो, अभी मैं दिखाता हूँ किधर गया। यहाँ पे हमें क्लिक किया था और ये देखो ये जो है यहाँ पे आप खींच सकते हो इसको, ये देखो लंबा चलने का होना तो ये लंबा चलेगी, लास्ट वाली जो हमने किया है तो 4 मिल के एक ही ट्रैक, वो एक ही बार चलेगा ट्रैक, आपको दिखाता हूँ। अभी जो है इसको प्ले भी करने का है, तो यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन भी दिए हैं, तो दोस्तों यहाँ पे जो है आप क्लिक करोगे यहाँ पे, और इसके बाद आप जाओगे प्रोजेक्ट में, तो प्रोजेक्ट में आप एक्सपोर्ट का जो है वहाँ पे क्लिक करोगे ऊपर वाला, तो वहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं दोस्तों। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो अनटाइटल्ड नाम से है, तो इसको हम कर देंगे DJ माधव। अब ये सेव हो जाएगा DJ माधव नाम से, WAV फाइल तैयार होगी, MP3 नहीं होगी। उसके बाद नीचे जो है एक्सपोर्ट का जो ऑप्शन है आपको दिखाता हूँ, ये एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे स्टार्ट बोल देना है आपको, तो ये सेव हो गया। और आपको ये जो हमने जो बनाया था वो आपको सेव करना होगा, तो वो भी हो जाएगा दोस्तों। ये जो हमने पैटर्न बनाया है यहाँ पे, तो ये पैटर्न का पैटर्न ही आपको सेव करना है, तो आप प्रोजेक्ट में जाओगे डायरेक्टली। प्रोजेक्ट में जाने के बाद आपको जो है दोस्तों यहाँ पे सेव करना होगा, सेव एज जो भी है, तो वो इधर फाइल का हमें नेम डालना है कुछ भी जो है, तो ये हमें LMMS नाम के सॉफ्टवेयर में होना, प्रोजेक्ट्स में होना, और ये सिलेक्ट कर लिया हमने, तो इसको हम कर देंगे DJ M2 नाम से करेंगे M2। और ये जो उस प्रोजेक्ट का जो है ये प्रोजेक्ट सेव हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये हम सब क्लोज कर देंगे, ये भी डिस्कार्ड कर देंगे, सब बंद हो गया। ये सेव किया हुआ DJM जो है मैं क्लिक करता हूँ, तो वो जैसा का वैसा आ जाएगा, पैटर्न का पैटर्न आ जाएगा। मैं